वोट तो हम आरजेडी करेंगे। अच्छा भैया एक सवाल, आरजेडी नेता जो खड़े हुए हैं जमुई से अर्चना कुमारी जी, उनके प्रचार में मगही सुपरस्टार आशीष यादव, बारे जावा करे जावा पो हमारा चढ़ के गे सोना कि आगे मोहनी सपोसला कौ सुगावा के जैसे कहे मछरी के जैसन दिल कौ बेचगे एकटा कट गेल मोर नहीं हर से अधूरा रहे नहीं पाई भी लभर से कि बाजा बाजते आई तोरे राजा नाचते आई तोरे। नमस्ते नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ हैं राइटर चिंटू राजा जो कि मशहूर राइटर हैं, अभी ऐसे ऐसे गाने लिख के दे रहे हैं कि वो गाना पूरे वर्ल्ड लेवल पे 5 नंबर तक ट्रेंड कर रहा है। इनसे जानेंगे क्या राज है, आप लोग वीडियो बने रहिए। तो सबसे पहले बताइएगा भैया, अभी एक गाना आया था मात्र 1 घंटे में ही वो 27 नंबर पर ट्रेंड चला गया, क्या कुछ कहें? और अभी लगभग 24 घंटा तक वो गाना 5 नंबर पर ट्रेंड किया, ये बहुत बड़ी बात है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? ये तो मतलब कि हम लोग का एक छोटा सा मेहनत था, बाकी बात पब्लिक का प्यार है। इसी तरह प्यार अपने भाई पे बनाए रखिए, मगही को आगे ले जाइए, आपका मगही है और ये आपका गाना था कि बस इसी तरह प्यार बनाए रखिए। उस गाने को 2 लाइन गुनगुनाइए भैया, वो गाना है सुनाने जा रहे हैं और काफी प्यार मिल रहा है मगही में, सबसे बड़ी लेवल तक जा रहे हैं जो कि ट्रेंड तक गाना जा रहे हैं बेम्यूजिक, ये हमें खुशी हो रहा है। तो भैया वो गाने को 2 लाइन सुनाइएगा। वो गाना है कि पता कट गेल मोर नहीं हर से अधूरा रहे नहीं पाई भी लभर से कि बाजा बाजते आई तोरे राजा नाचते आई तोरे कि बतारा घर बरतन मानते दिन कानते जाई तोगे। काफी प्यार मिला है कि गाने को 5 नंबर ट्रेंड किया है, आप लोग का प्यार देख के दिल गदगद हो गया। तो भैया क्या कुछ इस गाने में कितना स्पेशल कुछ टाइम दिया कि ये गाना 5 नंबर तक गया? गाना तो और भी है जो कि एक एक दिन में 5-5 लाख तक व्यू गया है, लेकिन ये कम व्यू के बाद भी ये गाना 5 नंबर तक ट्रेंड कर रहा है। मतलब स्पेशल कुछ टाइम नहीं, बट कि हर गाने के पीछे मेहनत करते हैं, सोचते हैं हर गाना मेरा बजे, के ऐसा नहीं कि इस गाने में स्पेशल काम किया और भी हर एक सोचे थे गाना भैया कैसे सोचे थे आप? दिन रात सोचने का मेरा काम है, दिन रात की यही करते रहते हैं क्या टॉपिक पे गाना बनाया जाए। कि अभी सैड सॉन्ग का ज्यादा लहर किए, जैसे अपने बोलचाल भाषा मतलब कि जो तो आज मित्र तुर दिना कानते दिन जीते हो। अच्छा अभी एक तो गाना आपका जो कि इधर कौन वाला था, ये सुगनी वाला गाना था करजवा में, करजवा पर मछली वाला गाना इसी तरह था जो कि खूब अच्छा प्यार मिल रहा है दर्शकों को, रील्स ट्रेंड कर रहे हैं और गाना अच्छा सामाजिक गाना है, पारिवारिक गाना है और काफी प्यार मिल रहा है गाना। वो गाना अभी 2 मेरा वायरल चल रहा है रील पे, एक कि पापा पोसला कौ सुगावा के जैसे कहे मछरी के जैसन दिल कौ बेचगे, एक ये वायरल है और एक छतिया पत्थर के सोना वो बज रहा है गाना कि आगे चढ़ी हो बारे जावा करे जावा पो हमारा चढ़ के गे सोना कि आगे मोहनी सुरतिया ऊपर से हो छतिया पत्थर के गे सोना। चलिए बहुत बहुत बढ़िया भैया, जो सामाजिक गाना ये था और काफी प्यार मिला और काफी रील्स बना रहे हैं और काफी अच्छा लगा। चलिए जो गाना अभी 5 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, आप कभी एक मतलब जब राइटिंग आप स्टार्ट किए गाना लिखना, कभी आप सोचे थे कि मेरा गाना इतना लेवल तक बजेगा? मगही गाना इतना पीछे लैंग्वेज माना जाता है, अभी से कुछ दिन पहले ऐसे लैंग्वेज को आदमी जानते नहीं थे और अभी भोजपुरी को भी टक्कर दे रहे हैं। बहुत सारे गाने देखे हैं बड़े बड़े स्टार का कि आपका मतलब 5 नंबर के बाद 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर में था। हाँ मतलब कि हम तो ये कभी नहीं सोचे थे कि मतलब कि हम एक दिल में लालसा था कि मेरा गाना कब बजेगा, ये तो कभी सोचे ही नहीं थे ट्रेंडिंग में। कल यही बात का चर्चा भी हम अपने घर में कर रहे थे कि ट्रेंडिंग में आज जा रहा है गाना कि जो सोचे। जितना भी वेव म्यूजिक से जितना भी गाना आता है लगभग वो गाना ट्रेंड करता है। क्या वेव म्यूजिक के लिए कुछ स्पेशल लिखते हैं? नहीं स्पेशल हर एक के लिए बोले काम सबके लिए बराबर करते हैं, बट कि उस पर थोड़ा सा रेशियो जल्दी पकड़ता है, चैनल का सब्सक्राइबर भी है कि और बड़ा चैनल भी है। अच्छा, और बाकी बात गाने भोजपुरी में भी इधर गाना लिखे हैं क्या? अच्छा भैया अगर सब आशीष जी का सब गाना अगर बड़ा चैनल से आए क्या सब गाना ट्रेंड करेगा? जाएगा, ट्रेंड करेगा कि आ रहा है सारे गामा से गाना जल्दी। अच्छा, रिलीज तो न्यू गाना रिलीज होने जा रहा है जो आप ही का चैनल पे शायद सुने हैं, कौन सा गाना है थोड़ा सा बताइए? वो गाना चैनल पे आएगा। हाँ हरदिया 2 उसका नाम था, बट नाम चेंज हो गया, हरदिया के टोनमा नाम रखा गया है, राजा एंटरटेनमेंट पे आ रहा है, जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यार दुलार दीजिएगा। तो चिंटू राजा जी का चैनल है, जाइए आप लोग उन्हें सब्सक्राइब करिए और वही पे गाना आएंगे। धमाल आ रहे हैं, पूरा यूनिक से लिखे हैं भाई, इनका अपना गाना है। कब तक पब्लिक को देखने को मिलेगा वो गाना? 12 तारीख को, क्योंकि हरदिया 2 का अनाउंसमेंट बहुत पहले हो गया था और
होना हो उससे कुछ मिलता जुलता हो, हरदिया हरदिया टू हाँ। और लगन भी आ गया है, और जैसे हरदिया बजाता वैसे पब्लिक का क्या मतलब डिमांड है, बजेगा वो गाना कि ये तो आप लोग पर निर्भर करता है, आप लोग प्यार दुलार दीजिए, लेकिन हम लोग को एक आशा है कि बेहतरीन गाना है वो 12 तारीख को रिलीज हो रहा है कि हरदिया के टोन में। अच्छा आज कहीं ना कहीं देखे जो कि आरजेडी में आशीष यादव जी के साथ देखे थे, और जो कि क्या कुछ बोलिएगा, आरजेडी में समर्थक कर रहे हैं या फिर आरजेडी से मिल गए? हम लोग तो पूरा आरजेडी का समर्थक है, कट्टर समर्थक है। कब तक गाना देखने को मिलेगा आरजेडी पे? लगातार आहिर के बात करें, आहिर स्टार बहुत सारे हैं जो कि आरजेडी पे गाना निकालते हैं, तो आपका कब दिखाएगा? और आएगा जल्दी ही गाना आएगा, कि फिलहाल तो एक गाना मेरा आने वाला है विधानसभा अभी की है, ठीक है ना, कि वो भी गाना तगड़ा आने वाला है, कि हमारे जमुई विधानसभा पे कि गाना आ रहा है, कि अभी चुनाव का लहर भी है। तो वोट भैया आप किसको दीजिएगा? वोट तो हम आरजेडी करेंगे। अच्छा भैया एक सवाल है पब्लिक का, जनता का एक सवाल है कि देखने वाले जनता कुछ बीजेपी के हैं कुछ आरजेडी के हैं, तो क्या कुछ खास कारण है कि आप आरजेडी को सपोर्ट करें, क्या कुछ इसमें अच्छा देखें? देखिए हम शुरू से कि एकदम खानदानी हमारा आरजेडी सपोर्टर है, ठीक ना, कि अच्छाई नेता तो कोई हमारा कि आके घर नहीं चलाता है, बट कि हमें एक अच्छा लगता है कि युवा नेता को हम चुनना चाह रहे हैं, कि तेजस्वी यादव जी का एकदम प्योर आप सपोर्टर हैं पूरे। हाँ मैं आशीष भैया का आज रील छूटा है कि आशीष यादव जी का आज रील छूटा है, और आपने आरजेडी का गमछी के साथ देखे होंगे, चिंटू राजा भी समेत थे वहाँ पे, और आरजेडी के कार्यकर्ता तमाम वहाँ पे पहुंचे हुए थे। कैसा रहा था जम्मू का माहौल? और चिंटू भैया बोले कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे, बाकी हमें किन्हीं नेता किन्हीं पक्ष के नहीं बोल रहे हैं, बाकी में जो हमारे सिंगर हैं और बहुत सारे सिंगर हमारे ऐसे आरजेडी से जो जुड़े हुए हैं, तो भाई भी सोचे कि हम भी जुड़ जाएं और आरजेडी को जो अच्छा काम करे, बाकी में उन्हीं नेता को चुनना चाहिए लोगों को, है ना? नेता जो अच्छा लगे हमें उसे चुनना चाहिए, नेता तो बहुत सारे खड़े हैं कि, बट हम लोग को पसंद आया कि अर्चना रविदास को वोट किया जाएगा। कि तो कहीं ऐसा तो नहीं है प्रचार में, प्रचार में जाएंगे आशीष भैया, जाएंगे प्रचार में, ये तो अभी तय नहीं हुआ है, बट किसी दिन एक दिन जाएंगे प्रचार में। की यानी कि ये सबसे बड़ी खबर है जो कि आरजेडी नेता जो खड़े हुए हैं जमुई से, अर्चना कुमारी जी उनके प्रचार में मगही सुपरस्टार आशीष यादव और राइटर चिंटू राजा दोनों साथ ही प्रचार करेंगे, तो सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और पूरे जमुई के साथ और जमुई के जितने भी समर्थक आरजेडी के साथ करेंगे प्रचार। तो भैया आप कहीं जातिवाद देखकर तो आरजेडी के पीछे नहीं है? नहीं जातिवाद देखकर नहीं थे, कि वैसा थोड़े है, मेरा विधायक देखे जातिवाद नहीं, मेरा विधायक के दामोदर रावत उसको वोट दिए जातिवाद देख के, थोड़े अच्छा नेता हमारे लिए जो अच्छा काम करे। कि आप अपने नेता के बारे में ऐसा दो गुण कम से कम बताइएगा, हमारे पब्लिक जो है सो वो भी मोटिवेट हो गए और वो भी सपोर्ट करे। गाँव में थोड़ा बहुत तरक्की किया, पहले भी सड़क बिजली कुछ भी नहीं था, जब से हमारे विधायक जी बने थे तो कुछ कुछ आया हमारे गाँव में, कि फंड सरकारी फंड का कुछ कुछ लाभ मिला है। कि कोई गाना आरजेडी पर थोड़ा सा सुना दीजिए, क्योंकि चुनाव का लहर चल रहा है हो जाए, कि आरजेडी का गाना हम लिखे ही नहीं है अभी के अभी तक, तो बैठा दीजिए राइटर है और कुछ हाँ, गाना बैठा दीजिए। एक गाना लिखे थे सोनम यादव का, कि अगे मम्मी गे कह दी हो डैडी के दुल्हा चाहिए फन यार जेडी के,